इस लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर भिखारी ठाकुर जी के उसी पैतृक आवास पर पहुंचे हैं, जो दिखाई पड़ता है कि एक साधक का जो आवास था आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वह उस रूप में विकसित और संरक्षित नहीं हो पाया है जिसका कि वह अधिकारी था। हमारे साथ हैं, देखिए इनका ये जो भिखारी ठाकुर जी के समय का यह किवाड़, ये जो किवाड़ बहुत बढ़िया नक्काशीदार किवाड़ जो है, और इसके साथ खड़े हैं सुशील जी। सुशील जी जो कि भिखारी ठाकुर जी के प्रपौत्र हैं। सुशील जी, भिखारी ठाकुर जी ने जो ज्ञान के माध्यम से यहाँ के लोगों के चेतना को जागृत किया था कि वे उनके अंदर का जो अभिमान है, उनके अंदर का जो बोध है, अपने होने का जो बोध है, लोगों को बताया था अपने कविता के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, और इसके साथ साथ रंगमंच के माध्यम से। पहली बार भोजपुरी के रंगमंच को उन्होंने सार्थक बनाया था, समृद्ध बनाया था, और उसके क्षितिज को अत्यंत विस्तृत किया था, और इसका परिणाम यह हुआ कि जो बड़े उस समय के बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे, उनकी रचनाओं पर वो टिप्पणी करते थे, उनकी रचनाओं की सराहना करते थे। तो आज के समय में इस लोकतंत्र के अवसर पर भिखारी ठाकुर जी को आप किस रूप में याद करते हैं? आप उनके संतति हैं, उनके प्रपौत्र हैं। बहुत बढ़िया है, ठीक है, इतने हम याद करते हैं। आप भोजपुरी बोल सकते हैं? भोजपुरी बोल ठीक बात। ऐसे तो भिखारी दादाजी के जितने भी नाटक है, उनके नाटकों के माध्यम से जितने समाज में कुरीतियाँ हैं, उन्होंने इस नाटक से माने दूर करने का काम किए। और जहाँ एक उनकी लिखी हुई बेटी बेचवा है, जो समाज में कम उम्र की बड़े उम्र के एथी से शादी कर दिया जाता है, बेमेल विवाह जिसको कहते हैं, बेमेल विवाह, कम उम्र की बच्ची की शादी किसी वृद्ध से कर दिया जाए, अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाए, और उस प्रकार से उनका जो जो बच्चियां थीं, जो बालिकाएं थीं, उनके अधिकार का हनन होता था। और उस समय में भिखारी ठाकुर ने इस समस्या को बहुत ही मुखरित करके उठाया था। और ये जो अभी बिहार में जो शराबबंदी है, इस पे दादाजी ने लिखे पिया निशैल नाटक, उस पर भी मैंने समाज में कितनी दिक्कतें आती है, शराब परिवार भी सुख नहीं रहता है और बड़ी तरह से कलह भी रहता है, इसके वजह से इस शराबबंदी पर या निशैल पर उन्होंने। सुशील जी, अभी जो हम लोग कहते हैं, ब्लेम करते हैं कि हमारी सरकार सही नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि सही नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो लोग जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट दे देते हैं। तो इस समय में आपका क्या कहना है? भिखारी ठाकुर जी ने तो स्पष्ट कहा था कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए, और ये जिसे समाज में सुधार, देश में सुधार वोट के माध्यम से हो सकता है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, न जाति इस पर रखना चाहिए, आदमी सही आदमी को चुनना है, और हमारा सही आदमी अगर चुनेंगे तो भी इस देश का भला होगा, और खराब आदमी को चुनेंगे तो देश का ये तो भला नहीं होगा। जिस तरह से माननीय वोट जरूर करते हैं, जिससे इस बार हम इस बार देखें माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो पुलवामा में जो हमला हुआ, देश के प्रति उनका बहुत रुझान है, और पिछले इसके पहले जो मोदी जी नहीं थे प्रधानमंत्री, बहुत से माने घटना होती थी, जैसे संसद हमला पर हुआ था, बहुत हुआ था, लेकिन इस सरकार में बहुत सा एथी है, बदलाव का एप्रिशिएट करते हैं, मतलब सुधार की ओर है थोड़ा। हाँ, इनको तो ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के अवसर पर, अब मैं हम देखना चाहते हैं सुशील जी, अपने संसाधन, अपनी क्षमता के अनुसार अपने दादाजी की स्मृति को संजोने का प्रयास इन्होंने किया है अपने घर में। हालांकि यहाँ पर भिखारी ठाकुर जी के स्मृति में एक मंच बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया, जिसको लोग कहते हैं भिखारी ठाकुर आश्रम, लेकिन वहाँ सुविधाओं की भी कमी है। कमी तो है। और देखिए, सबसे पहले बात है कि भिखारी ठाकुर अगर उच्च जाति से आते तो बहुत कुछ हुआ होता है, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक ले कुछ ना डेवलप
हुआ है या ना होता आ रहा है। आज देखिए भिखारी ठाकुर आश्रम है, आज तक ले उस आश्रम का डेवलप नहीं हुआ, जो उत्तर दिशा में जो आज भी जमीन पर्याप्त जगह है, बहुत लोगों ने कहा और कह कर गया लेकिन इस पर कोई विचार। हाँ, ये दुख की बात है। अब इन्होंने कहा कि उच्च जाति के होते, अभी देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल निम्न जाति के हैं, निम्न जाति के होते हुए जो जिसमें पुरुषार्थ होता है, जिसमें चेतना होती है, विचार होता है, विचार कभी मरता नहीं है। भिखारी ठाकुर जी का जो विचार है, महान विचार, जो उस समय उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी, वो तो अब रूप ले रहा है। हालांकि थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, तो थोड़ा संतोष की बात हो सकती है कि ये इनके स्मृति में जो भिखारी ठाकुर आश्रम का निर्माण किया गया है, और संसाधन की कमी है। आइए देखते हैं सुशील जी के प्रयास से जो इनके अपने ही पैतृक आवास में उन्होंने जो व्यवस्था की है कि उनके स्मृति को संजोने का, ताकि यहाँ लोग आते हैं, बाहर से लोग अध्येता आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, पत्रकार आते हैं, तो देखना चाहते हैं कि भिखारी ठाकुर जी का जीवन कैसा था। बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार उनके जीवन से दिखाई झलकता है। देखिए छोटे से कमरे में, आइए कैमरामैन से मैं कहता हूँ कि ये छोटे से कमरे में उनके स्मृति, उनके फोटो वगैरह, आ जाइए भीतर आ जाइए, उनके स्मृति में उनके फोटो, जितने जो पुराने फोटो हैं उनको उन्होंने समेट करके, जो कुछ मिला है उनको, जो स्मृतियां मिली हैं, जो पुरस्कार मिले हैं, उसका भी उन्होंने लगा करके रख दिया है यहाँ पर, ताकि वो दिखाई पड़े जितना जितना संभव हो सके, जितना छोटा जितना इनका प्रयास है, जितना संसाधन है, उससे उन्होंने ऐसा किया है। ये छोटा देखिए भगवान का की प्रतिमा भी लगाए हैं, क्योंकि भिखारी ठाकुर जी ने जो अपनी बात है, ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो उनका जो प्रमुख नाटक था विदेशिया में उन्होंने बटोही के बाद क्या है कैरेक्टर, एक सुशील जी एक मिनट आइए हमारा थोड़ा सहयोग करें, बटोहिया में जो मुख्य कैरेक्टर थे बटोही थे, विदेशी थे और रखेलिन थी, प्यारी सुंदरी थी, तो ये सारे कोई आत्मा है, कोई परमात्मा, कोई धर्म का प्रतीक के तौर पर उन्होंने किया था। और यही कारण था कि भिखारी ठाकुर के उस नाटक विदेशिया नाटक का अपील बहुत व्यापक हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो भारत का जो धर्म है, जो आध्यात्मिक अधिष्ठान है, उसके प्रतीकों को लेकर के और बड़ा संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था, ताकि समाज में जो विद्रूपता है, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान हो सके। अब देखिए आते हैं, ये बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में आज भी भिखारी ठाकुर जैसे महाकवि, महारंगकर्मी, जिन्होंने भोजपुरी को पहली बार, भोजपुरी रंगमंच को एक समृद्ध ही नहीं किया था बल्कि एक स्वरूप दिया था कि भोजपुरी भाषा में ही गायन, वादन और मंचन के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को लोगों के जेहन में उतारना। उस समय चलचित्र नहीं होता था, सिनेमा नहीं था, और इसके बावजूद उन्होंने, अब देखिए यहाँ पर गाय, अपने छोटे से घर में ही गाय गो पालन करना। भिखारी ठाकुर जी कहते हैं परमात्मा का भी सुमिरन करते हैं कि जो भी समस्याएं हैं समाधान उसका परमात्मा के सुमिरन से ही होगा। तो कैमरामैन शशि और सत्यम दुबे के साथ मैं कृष्णकांत ओझा भिखारी ठाकुर के इस छोटे से पारिवारिक गांव घर से।